नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां ट्रैफिक पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच घंटों जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। मीडिया के सवाल पर मुस्कुराए सूबेदार, कहा सूचना मिलते ही पहुंचती है यातायात पुलिस। शहर में इन दिनों पुलिस कप्तान सहित अन्य अधिकारी बेहतर यातायात व्यवस्थाओं को लेकर दम भरते दिखाई देते हैं, लेकिन शहर के यातायात व्यवस्था की स्थिति ठीक इससे उलट है। शहर का खन्ना चौराहा हो या फिर वेंकट रोड, घोड़ा चौराहा हो या फिर बात करें फोर्ट रोड की, यहाँ पर आए दिन लोगों को जाम के झाम से जूझना पड़ता है। लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए घंटों जाम में फंसे रहते हैं। ताज़ा तस्वीर निकल कर सामने आई है शहर के सबसे व्यस्त रहने वाले प्रकाश चौराहे की। यहाँ पर जाम के झाम में तकरीबन 2 घंटे तक मरीज को लेकर जा रही एक एम्बुलेंस फंसी रही, लेकिन यातायात पुलिस का एक भी कर्मचारी मौके पर नहीं दिखाई दिया। इस बारे में जब यातायात सूबेदार से बात की गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि भविष्य में जाम की स्थिति नहीं होगी। रीवा शहर की बेहतर यातायात व्यवस्था की पोल खोलती एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। शहर के प्रकाश चौराहा पर मरीज को लेकर जा रही एक एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रही। इस दौरान एक भी यातायात का पुलिसकर्मी मौके पर नहीं दिखाई दिया और जाम में फंसकर घंटों लोगों की फजीहत होती रही। आए दिन यातायात पुलिस के द्वारा किसी भी चौराहे में खड़े होकर हेलमेट चेकिंग के नाम पर लोगों के चालान काटे जाते हैं। यातायात पुलिस के द्वारा शराब पी कर वाहन चलाने वाले लोगों पर बड़े जुर्माने की कार्रवाई की जाती है, लेकिन उनके द्वारा आज तक शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए। रीवा शहर की यह स्थिति आज ही नहीं, पिछले कई वर्षों से शहर के विभिन्न मार्गों के अलावा व्यस्तम चौराहों पर अक्सर जाम का झाम रहता है, पर यातायात पुलिस को चालानी कार्रवाई करने से फुर्सत ही नहीं। फिर चाहे कोई मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस के अंदर अपनी जान गंवा दे। शहर के वेंकट रोड की अगर बात की जाए तो नगर निगम और यातायात पुलिस यहां के दुकानदार और हाथ ठेला व्यापारियों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। यहाँ दुकानदार दुकानों से बाहर फुटपाथ और अपना व्यापार जमाए हुए हैं, तो वहीं सैकड़ों की तादाद में हाथ ठेला व्यापारी सड़कों पर ही अपना व्यापार करते दिखाई देते हैं, लेकिन महज दिखावा करने प्रशासनिक अमला छुटपुट अतिक्रमण की कार्यवाही कर खाना पूर्ति कर वापस लौट जाते हैं। मीडिया की टीम ने जाम में फंसी एम्बुलेंस के बारे में बात की तो यातायात सूबेदार दिलीप तिवारी खुद मीडिया कर्मियों से पूछने लगे कि जाम कहां पर लगा था। इसके अलावा जाम की जानकारी देने पर उन्होंने मीडिया को धन्यवाद भी कहा। यातायात सूबेदार ने कहा, अगर समय से सूचना मिल जाती तो जाम की स्थिति नहीं बनती। हालांकि मुस्कुराते हुए सूबेदार ने भविष्य में जाम ना लगने की बात भी कही है। अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि शहर में जाम की स्थिति बनती है या नहीं। कहाँ पे जाम लग गया था? प्रकाश चौराहे में जाम लग गया था। देखिए, आपने बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाम लग गया था, यदि मेरे पास जल्दी से जानकारी पहुँच जाती तो निश्चित तौर पे हम और हमारे आदमी पहुँच जाएंगे। भविष्य में अब जाम नहीं लगेगा। हम लोग देखिए, जैसे कभी एम्बुलेंस वगैरह यदि ऐसे रोड पे रहती है तो हम लोग का प्रयास रहता है, हमारे प्रत्येक सिपाही का ये प्रयास रहता है कि कभी कोई एम्बुलेंस ना फंसे। वैसे एक बात आपको बता दूं, जो ओरिजिनल है बात है, वास्तविकता ये है कि हमारा एक एक सिपाही, कभी कोई ट्रैफिक वाला ये नहीं चाहता कि जाम फंस जाए। कभी वो दिल से कभी नहीं चाहेगा वो कि जाम लग जाए, लेकिन लग जाता है जाम कभी कभी। तो भरपूर प्रयास हम लोग करते हैं जाम हटाने का, यदि सही समय पर सूचना मिल जाए तो। हमारे पास मेरा नंबर बहुत सारे लोगों के पास है, कंट्रोल रूम के नंबर है बहुत सारे लोगों के पास। इसके अलावा भी एक हमारे SP साहब ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जो लोग ऐसे जाम में फंसते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस वाला हो, चाहे वो कोई आसपास का व्यापारी हो, तत्काल इन नंबरों पर सूचना हमें दे सकता है। हम खड़े ना 24 घंटे के लिए जाम हटाने के लिए। हम रात को 1-1, 2-2 बजे तक जाते हैं, यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो तत्काल जाते हैं, क्रेन लेके जाते हैं। तो हम अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के लाते हैं कि सर यहाँ जाम लग गया, यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये चीज़ें हमको पता चलती हैं। हम देख लेंगे वहाँ पे क्या स्थिति है, यदि वहाँ पे लगेगा कि अतिक्रमण है, ठेलों ने अतिक्रमण करके रखा है, ऑटो ने अतिक्रमण करके रखा है, गलत तरीके से खड़ी होती हैं, तो हम उनको हटवाएंगे। और जहाँ कहीं भी आप लोग बताएंगे हमको, ऐसे प्रोन एरिया बताएंगे जहाँ पे जाम लगता है, हम कार्रवाई करेंगे, हम अपना ट्रैफिक अमला लगाएंगे, किसी भी तरीके से वहाँ पे जो भी समस्या होगी उसको निजात करने की 100% कोशिश करेंगे।